ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। मेडिसिन की प्रैक्टिकल क्लास सेकंड ईयर HDP के लिए आज इसका सेकंड सेक्शन। हमारे पास अभी जो इंजेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एनरोफ्लॉक्सासिन है, नाम है इसका एनफ्लॉक्सिन। इसमें एंटीबायोटिक है एनरोफ्लॉक्सासिन है और ये एंटीबायोटिक की जगह काम आता है बहुत सारे इन्फेक्शंस में। लगभग इसको स्किन इन्फेक्शन में ज़्यादा मैंने काम लिया था, बहुत अच्छा रोल अदा किया इसने। और UI अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के अंदर भी इसने बहुत अच्छा रोल अदा किया। तो दो में मैंने बहुत अच्छा इसको अजमाया, एक तो स्किन इन्फेक्शन में बेस्ट ट्रीटमेंट ये जो रिजल्ट दिया इसने एनरोफ्लॉक्सासिन, जब डॉग के अंदर मैंने इसको यूज़ किया एनरोफ्लॉक्सासिन विद जो है कोर्टिजोन जो है उसमें लगाई, तो 3 या 4 दिन में रिजल्ट अच्छा आ गया। और इसको 5 से 7 दिन जो है वो एंटीबायोटिक को दिया गया। तो इसमें बड़े जानवरों में मैं 10 से 15 ml डोज, छोटे में 2 ml के करीब जो है, डॉग में 2 ml मैंने इसको, 1.5 से 2 ml इसको यूज में किया। तो ये आप एनरोफ्लॉक्सासिन लिख लें, एंटीबायोटिक है, इस तरह से ये कार्य में आती है। और ये 100 ml का जो है इंजेक्शन है, 100 ml है इसमें। इसके बाद हमारे पास इंजेक्शन में और नहीं है क्या? चलिए अब पाउडर्स में ले लेते हैं। चलिए अब ये स्प्रे है मैगफाइट स्प्रे का मतलब है मैगट्स जहां बनते हैं उनसे लड़ाई करने वाली। तो ये वही है, एंटीसेप्टिक है इसमें और फ्लाई रिपेलेंट है। जब आप इसको स्प्रे को ये देखिए इसको आप इस तरह से खोल लें और ये यहाँ से दबा के देखिए कितनी इसमें पंजट स्मेल आ रही है, तो मक्खी क्या पास में आएगी इसके। यहाँ से दबा के जहाँ वुंड है उस पर आप स्प्रे इसको कर दें, तो ये मैगट इसके लिए है। इसके बाद में ये हमारे पास डॉग्स के लिए है पैट कफ। देखिए पैट का मतलब लिखा हुआ है पैट कफ, तो जहाँ ये एंटी कफ फार्मूला है पेट्स के लिए। और ये आप 100 ml है एक चम्मच जो है वो आप सुबह एक चम्मच शाम को या 3 बार दिन में भी, ज़्यादा खांसी हो तो इसको पिलाया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ हमारे पास ये पेटोईज नाम से है, पेटोईज के नाम से। तो पेटोईज का मतलब है जो आपका पेट है उसको इजी रखना, बहुत ज़्यादा यानी कि स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। अगर किसी टेंशन में है, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो रहा है, तो उसको ईज करने के लिए, तो ये इस तरह से पेटोईज के नाम से ये मेडिसिन है। तो ये भी आप एक एक चम्मच सुबह शाम इसको अपने पेट को पिला सकते हैं। तो इसमें ये पूरा का पूरा जो है आयुर्वेदिक है टोटल, इसमें अश्वगंधा है, ब्रह्मी है, तो ब्रह्मी तो वैसे ही कूल करती है ब्रेन को, ब्रह्मी वैसे आप भी लो तो अच्छी कूल करने के लिए, ब्रेन कूल और ब्रेन का याददाश्त के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अश्वगंधा। ये इसमें विटामिन होते हैं लगभग, अश्वगंधा, अश्व कहते घोड़े को, गंधा कहते हैं खुशबू को। ये ऐसी दवाई होती है इसमें घोड़े जैसी, जो घोड़े के पास खड़े हो जब स्मेल आती है ऐसी स्मेल इस दवाई में आती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा रखा गया। और भी ब्रह्मी है, इसके बाद में शंख पुष्पी है, वेरी वेरी याददाश्त के लिए शंख पुष्पी, वेरी वेरी गुड ट्रीटमेंट शंख पुष्पी। अगर ये लिक्विड मिले तो आप भी पी सकते हो जिसकी याददाश्त कमजोर है, शंख पुष्पी के नाम से ही आता है अश्वगंधा, शंख पुष्पी और ब्रह्मी। ब्रह्मी भी बहुत अच्छी ठंडी मेडिसिन है ब्रेन को ठंडा करने वाली। और इसके बाद में है जटामांसी, ये भी, उसके बाद में वक तगर, ये कुछ इस तरह की, आंवला, गिलो, आजकल गिलो जो इम्यूनिटी बूस्टर है हम पता है हमारे को, सौंठ है, जायफल है और लौंग है। तो इस तरह की ये मेडिसिन है, इसके अंदर बहुत अच्छा ये क्योंकि ये मैंने कई यूज़ की हुई हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये अच्छे रिजल्ट जो दिए हैं इसने। अब इसमें हमारे पास आता है क्लाइवेट सी,
ग्राइवेट सी, ये वो मेडिसिन है जो बड़े जानवरों में स्ट्रेस को डाउन करने के लिए, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक के समय जब ये बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तपस होती है, तो जानवरों में क्या होता है, पेंटिंग शुरू हो जाती है। पेंटिंग कहते हैं यूं हांफना, यूं शुरू हो जाता है, तो उस समय ये कारगर सिद्ध होती है ग्लाइवेट सी। तो एक तो हीट स्ट्रेस में और किसी भी तरह की और जो स्ट्रेस है तो इसके अंदर भी ये काम में आती है, तो ये बड़े जानवरों में काम आती है। तो ये 250 ग्राम का पाउच है, इसमें 30 ग्राम जो है इसकी शायद डोज 40 ग्राम है, हाँ छोटे जानवरों में 10 ग्राम है, बड़े में 40 से 50 ग्राम इसकी डोज आप लगातार दे सकते। इसके बाद हमारे पास आता है मेस्टी प्रो, मेस्टी प्रो, मेस्टी का मतलब होता है मेस्टाइटिस, मेस्टाइटिस अगर आप देते रहते हैं, प्रो का मतलब है प्रीमियम पहले, तो मेस्टाइटिस होती नहीं है ये कहता है। अब ये कह रहा है कि भाई अगर ये अगर मेस्टाइटिस हो भी गई है तो अगर आप साथ में उस ट्रीटमेंट के इसको साथ में देंगे तो ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर बड़ा लाभ करती है। ऐसी मेडिसिन है जो आयुर्वेदिक है तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, सोजन है उसको ठीक करेगी, अगर उसमें इन्फेक्शन है तो उसमें किल करेगी बैक्टीरिया को और दर्द कम करेगी, मिल्क क्वालिटी को इम्प्रूव इसने लिखा है, लेकिन ये मैंने कभी ये क्योंकि ये बाद में अभी इन दिनों मेरे पास जो कोई आया वो मुझे बता के गया, ये मेरे द्वारा यूज नहीं किए गए, लेकिन ये यूज करने वाले कुछ LSA जो है फील्ड में है तो उनका मैंने देखा तो उन्होंने बताया कि नहीं सर ये हम साथ में देते हैं तो रिजल्ट तो इसका ठीक आता है। तो ये मेस्टी प्रो के नाम से है जो साथ में उसके ट्रीटमेंट के दी जाती है मेस्टाइटिस में। ये देखिए ऑर्डर दिखा रखा है इसने, इससे संबंधित मेडिसिन है ये। तो ये स्पास्टिक टेबलेट हैं हमारे पास वेटनरी की, स्पास्टिक का मतलब, स्पास का मतलब होता है स्पाज्म, आपने पढ़ा है, तो ये एंटी स्पाज्म है। स्पाज्म आते हैं जो पेट में दर्द होता है, कोलिक होता है, कहीं भी स्पाज्म आए वो दर्द होगा, तो उसको उन स्पाज्म को मस्कुलर स्पाज्म होते हैं ये, तो इस स्पाज्म को करने के लिए एंटी स्पास्मोटिक क्या है ये लिखा हुआ है इसमें, एंटी स्पास्मोटिक, एनर्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी, सोजन को कम करती है, दर्द को कम करती है और स्पाज्म जो आते हैं, मरोड़ जो आते हैं उनको भी ये ठीक करती है। तो ये टेबलेट है स्पास्टिक वेट के नाम से, ये शायद दो दो टेबलेट हैं इसमें, हाँ यस ये दो दो टेबलेट हैं, आप सुबह शाम कंडीशन के अनुसार दे सकते हो, ये उसमें काम आती है। एंड्रोफ्लोक्सासिन जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, एंड्रोफ्लोक्सासिन ये इंट्रामस्कुलर, इसकी एंड्रोफ्लोक्सी टेबलेट भी आती है। यूं तो बहुत मेडिसिन है अभी बहुत रह गई हैं जो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, ये जो अभी वो क्लिनिक में है कल जो है इसका चाबी लेकर के उसमें से जो आजकल जो IV सेट है बताएंगे कितनी तरह के हैं, फिर आपको ये बताएंगे कि कितनी तरह के वो फ्लूड थेरेपी हैं, वो सारी हमारे पास हैं पड़ी हैं, कितनी तरह की कैल्शियम की बोतलें हैं, कैल्शियम है, कैल्शियम मैग्नीशियम है, फास्फोरस विद है, वो आपको बताएंगे, उनकी डोज समझाएंगे, IV सेट बताएंगे और कुछ एंटीबायोटिक्स वहाँ पड़ी हैं, वो सारी की जानकारी जो आपको मेडिसिन में जो दी जाएगी। तो ये है एंड्रोवीर बोलस, तो ये एंड्रोफ्लोक्सासिन है, ये भी टेबलेट उसी तरह से जैसे वो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये देखिए एक टेबलेट है और ये सिंगल डोज एक दिन में दी जाती है, तो ये 3 या 4 दिन जितने दिन आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है आप उसको दे सकते हैं। तो ये टेबलेट लगभग मेरे ख्याल 1.5 ग्राम होनी चाहिए, 2 ग्राम, यस 2 ग्राम, ये 2 ग्राम की 2000 mg है ये, तो ये आप टेबलेट जो है काम में दे सकते हैं और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक दिन आप गए इंजेक्शन दे के आ गए, दूसरे दिन वेटनेरियन को जाना नहीं पड़ता, ओनर को दे के आ जाओ या लिख दो कि ये टेबलेट ला के भैया इसको 3 दिन जो है
तो उन्हें देनी देनी है ताकि एंटीबायोटिक का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए, अधूरा नहीं छोड़ें कभी भी कोर्स को। इसके बाद में देखिए ये अपने आप में बोल रही है ज्वाइंट, ये देखिए ये ज्वाइंट एक्टिव, ज्वाइंट एक्टिव। तो ज्वाइंट में क्या होता है, आजकल ये बड़ा ही फेमस ट्रीटमेंट चल रहा है, जब आप मेडिकल उसमें जाते हो हॉस्पिटल में, जो भी ये कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द है तो उसको ग्लूकोजामाइन जो है प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो ये भी डॉग के अंदर जिनमें ये घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये देखिए ये इसमें भी डॉग कैट में ये भी ये ग्लूकोजामाइन है, ये देखिए ग्लूकोजामाइन, ये ग्लूकोजामाइन क्या है, कहते हैं ना आपके जोड़ों में, जोड़ों में घी कम हो गयो, ग्रीस घट गयो, सॉरी घी क्या ग्रीस, क्या ग्रीस कम हो गया जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो ये उस ग्रीस को, ये वो ग्रीस है जो हम उसको दे रहे हैं बकायदा ग्लूकोजामाइन, उस ग्रीस को जो है वो रिलीज करवाता है, तो उस ग्रीस की जगह काम आता है, ग्रीस कहते हैं लेकिन वो फ्लूड होता है जो ज्वाइंट के अंदर है, साइनोवियल फ्लूड होता है, उसकी कमी हो जाती है तो ये उसकी भरपाई जो है वो करता है। तो ये हमारे पास ये भी टेबलेट रूप में है, ह्यूमन बीइंग में भी ये टेबलेट रूप में आता है, तो ये इन्होंने डॉग में टेबलेट रूप में जो इसको बढ़ा दिया है, तो ये आप एक एक टेबलेट सुबह शाम कम से कम आप इसको 30 दिन तक मिनिमम इसको आप दे सकती हो जानवर। तो ये जो शौकीन लोग हैं ये सारी उनकी बातें हैं, वेटरनरी जो है एक बहुत ही जो शौकीन लोग हैं, बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनकी तो ये बातें चल सकती हैं, लेकिन आप एक गरीब को बेचारे को उसके यहाँ डॉग है और उसको ये लिख दोगे तो मुझे लगता है आप बहुत बड़ी, क्योंकि वो फिर आपकी पर्ची वहीं पूछते ही पैसे और वो आपकी पर्ची को फाड़ के बैंक देगा, मतलब और नहीं निकलेगा आपकी पर्ची का किसी भी प्रकार का। तो ये देखिए ये हमारे पास न्यूरोबियोन जो है, बहुत पुराने इंजेक्शन होते थे नरवाइन टॉनिक के, अभी मैं देखता हूँ इंजेक्शन न्यूरोबियोन ही है ना, ये B1 B6 B12, यस उसमें लिखा कुछ भी हो लेकिन ये है न्यूरोबियोन एक्चुअल में, नाम कुछ और लिखा होगा इनपे शायद, न्यूरोबियोन ही है ये। तो ये 3 ml में है, ये पहले तो ये IV भी लग जाते थे और इन फ्लूड किसी भी ग्लूकोज में आप इसको डाल के, ताकत का टीका बोलते थे इसको, तो गांव में क्या है लिटा लेते हैं उस पर जो डॉक्टर्स वहाँ प्रैक्टिस करते हैं और कहते हैं अभी तेरे को ताकत का टीका देना पड़ेगा अभी बोतल के साथ, अब वो पता नहीं क्या समझता है, अब वो बोतल है कितने रुपए की है ये अभी आप जब इसमें प्रैक्टिस में आओगे जब पता लगेगा, और ये 3 ml का इंजेक्शन उसमें अंदर डाल के पता नहीं चलता उसको क्या दिया है, वो कितने रुपए लेते हैं उनकी मानसिकता पर डिपेंड है। तो ये न्यूरोबियन B1, B6 और B12 ये 3 इसके अंदर होते हैं, तो जहाँ इसकी कमी होती है, देखिए B6 B12 हमारे लिए जो है पूरा का पूरा CNS को कवर करता है, सेम जो है थायमिन है जो B1 है, ये भी नरवाइन एक तरह से टॉनिक है, और नर्व की जो B12 जो है वो नर्व की शीथ अगर कुछ रिपेयर करता है, अगर उसमें कोई कहीं प्रॉब्लम होती है, B1 थायमिन ये नर्व की रीजनरेशन पावर को बढ़ाता है, रीजनरेट होती है इससे, पैरालिसिस वाले जनरली मरीजों को जो है ज्यादातर ये दिए जाते हैं इंजेक्शन, क्योंकि B6, B12 और B1 ये पूरा का पूरा नर्वाइन जो है सिस्टम है इसको क्योर करते हैं अप्रोक्सीमेट लगभग, मैं ये तो नहीं कह सकता कि पूरा क्योर करते हैं, फिर तो किसी को पैरालिसिस हो ही ना, लेकिन ये अच्छा उसमें वर्क करते हैं। तो ये हमारे पास इसमें आप छोटे जानवर में तो 3 ml है, बड़े में आप इसकी 3 इंजेक्शन 9 ml जो है आप लगा दीजिए, 10 ml लगा दीजिए और 12 भी लगा दोगे तो 4 भी लगा दोगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो 5-5 भी लगा दिया करता था, कोई ऐसी उसमें दुविधा आने वाली नहीं है, आप अपने उस पेशेंट की हालत पे देख के
उसको जो है आप प्रेस्क्राइब करेंगे। तो आज मेरे पास इतना ही मटेरियल था, फिर नेक्स्ट में वो और नीचे पड़ा है जो मटेरियल बताएंगे और आपको उसके बारे में ज्ञान कराएंगे। तो आज इतना ही सफिशियंट है। थैंक यू वेरी मच।